कार्रवाई आज पहले दिन पूरी हो गई है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि आज बाढ़ को लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। सबसे पहले तो ये प्रस्ताव को लेकर के ही आपने कुछ विषय जो है सदन में रखा कि नोटिस को कॉलिंग अटेंशन किस तरीके से बना दिया, क्या रूलिंग थी, किस तरीके से उसके बाद? इस तरीके से कानूनी प्रावधान रूल जो बिजनेस में है उसको एग्जेम्प्ट किया गया। चलिए एक इम्पोर्टेंट इशू था, मेरा हाईलाइट करना जितने भी बनता था कि ये नई प्रथाएं हाउस में ना शुरू करी जाए, कि कॉलिंग अटेंशन को हाफ एन आवर दिस शॉर्ट डिस्कशन में कन्वर्ट करके अडजमेंट मोशंस को कन्वर्ट किया जाता है, और कॉलिंग अटेंशन एक अलग विषय है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एक अलग विषय, अडजमेंट मोशन एक अलग विषय। और मैंने उपाध्यक्ष से यही आग्रह किया कि प्रथाएं नई ना शुरू करी जाए। जैसे कॉलिंग अटेंशन में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि 5 ही विषय सवाल के तौर पर रखे जा सकते, फिर भी क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर हमारे 12 ज़िले बाढ़ प्रभावित थे, सभी विधायकों का एक एक पॉइंट था, एक एक अलग अलग एरिया से, तो उनको डिटेल में जवाब। आपको लगता है विपक्ष पूरी तैयारी के साथ था? हालांकि अभय चौटाला भी एक विषय पर कह रहे थे कि गलत जानकारी दी जा रही है। जानकारी जितनी हमारे पास रेडिली अवेलेबल थी सारी सदन के पटल पर दी है। फ्लड के अंदर अधिकारियों ने, हमारे सोशल सोसाइटीज़ ने बड़े अच्छे तरीके से मिलकर बाढ़ प्रबंधन में काम किया है। मुझे लगता है कि उनको अप्रिशिएट करने की बजाय अगर हम डीमोरलाइज करें तो आने वाले भविष्य की आपदाओं में तो लोग काम करना छोड़ देंगे। और हमेशा रहा है, और हमारा तो हरियाणा का कल्चर भी ये कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में सभी लोग मिलकर इन लड़ाइयों को लड़ते हैं, चाहे वो भुज का अर्थक्वेक हो। तब भी मुझे याद है पूरे हरियाणा के लोगों ने भुज में जाकर भी, चाहे वो राहत सामग्री हो, चाहे रिहैबिलिटेशन का काम हो, गांव बसाने का काम हो, उसमें मदद करी। उड़ीसा में आई जब साइक्लोन से तबाही, उस समय भी हरियाणा से लोग गए। जब तमिलनाडु के तट पर सुनामी आई तब भी गए। इवन जब हमारे पड़ोस के नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया तब भी हमारे लोगों ने सहयोग किया। मुझे लगता है ये सोसाइटी का नैतिक जिम्मेवारी भी नागरिकों की है कि हम इस लड़ाई को मिलकर। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से कब तक जो आज बंद हो चुका है, अभी मैं आपके पास आया हूँ, जब तक मैं डाटा देख रहा था तो लगभग 6,90,000 एकड़ के आसपास फार्मर ने अपलोड किया है, 5,29,000 एकड़ अभी वेरीफाई होना बाकी है। और मुझे लगता है क्षतिपूर्ति सहायकों के माध्यम से अगले हम 5 से 10 दिन के अंदर इस सारे प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे। बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, सड़कें, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज के भी कई विषय आए जगह जगह के, साथ ही साथ जींद के अंदर भी एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को लेकर। देखिए जहाँ बाढ़ के संबंधित है तो इमीडिएट रिहैबिलिटेशन के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने भी अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। PWD की जहाँ जहाँ रोड को पंचर किया था टेम्परेरी उनके अंदर भी प्रावधान कर दिए गए थे, और जो टेंडर प्रोसेस के थ्रू होंगे वो लगभग 337 करोड़ के आसपास PWD रोड्स पे खर्चा जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड अपना सर्वे कर रही है, पंचायती राज अपना सर्वे कर रही है, जैसे ULBs और उनका आएगा उनके लिए भी हम फंड देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है फ्लड में वो रिहैबिलिटेट। जींद के एक प्रोजेक्ट को लेकर के भी आ जाओ। बिल्कुल, मैं पीछे जब जींद मेडिकल कॉलेज के रिव्यू के लिए गया था तो उस समय डायरेक्टर MER आदित्य दहिया ने एक सुझाव दिया कि पैरामेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज के साथ हो तो लोगों को एक्सपीरियंस जो मिलता है वो जल्दी मिलेगा, और नेबरिंग होगा तो वहाँ क्वालिटी स्टाफ भी हम बिल्ट अप टाइम के साथ कर पाएंगे। तो उसके लिए HSVP की एक कॉलेज साइट सेक्टर में थी एडजॉइनिंग, और एक वहाँ कम्युनिटी सेंटर साइट थी, तो लगभग 2.5 एकड़ और 5 एकड़ की 2 साइट्स को अब क्लब किया गया है। HSVP ने कल लेटर हमें दे दिया कि जींद के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज के लिए 7.5 एकड़ हुड्डा की लैंड दी जाएगी, और HSVP की उस लैंड पे अब जो DPR बननी है पैरामेडिकल कॉलेज की वो हम जल्द ही। जी अंतिम सवाल है सर, विपक्ष कह रहा है कि जो समय है वो बढ़ाया जाना चाहिए था, आपको लगता है आज पूरे दिन में तमाम मुद्दे ठीक प्रकार से उठा पाए? देखिए मैं तो विषय पूछना चाह रहा हूँ, अगर विषय विपक्ष लेकर आएगी तो चर्चा सरकार करेगी। आज तो फ्लड का विषय था और इतना डिस्कशन शॉर्ट ड्यूरेशन में आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, जहां हमने 5 की बजाय 20 लोगों को बोला। उनकी तरफ से नोटिस आएंगे, अभी तो 2 वर्किंग डेज हैं, उन सब पे जवाब दिया जाएगा। जी।